अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट लेंगे कंसोलिडेशन से, लेकिन अभी एक मिनट वेट कर लेते हैं स्टूडेंट्स का। सारे स्टूडेंट्स आए नहीं, वेट कर लें 2 मिनट। इसी दौरान किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। ओके जी, अब हम स्टार्ट लेते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे मैंने पहले बताया था कि हम कंसोलिडेशन को दो डिफरेंट पार्ट्स में, बल्कि 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एसोसिएट भी है इसमें। आप सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, आज से स्टार्ट करेंगे कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन, ठीक है। इसका जरा बेसिक रूल आपको मैं लिख के दे रहा हूं। बेसिक रूल यानी बेसिकली आपने करना क्या है, ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। मैंने दो वर्ड यूज किए, एसेट्स और लाइबिलिटीज, चाहे वो करंट एसेट हो या नॉन करंट एसेट्स हो। ऑफ पी, P stands for parent company, ये हम यूज करेंगे पूरे लेक्चर में, P और S, एंड S को as line by line item shall be added all assets and liabilities of P company and S company shall be added as line by line item। line by line item का मतलब क्या है? P कंपनी की प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और S कंपनी की प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को हम ऐड कर देंगे। P कंपनी के इंटेंजिबल एसेट और S कंपनी के इंटेंजिबल एसेट को ऐड कर देंगे। P कंपनी का कैश S कंपनी के कैश में ऐड होगा। P कंपनी की इन्वेंट्री P कंपनी की इन्वेंट्री S कंपनी की इन्वेंट्री में ऐड होगी। P कंपनी का अकाउंट्स पेएबल S कंपनी के अकाउंट्स पेएबल में ऐड हो जाए। दिस इज लाइन बाय लाइन आइटम, यानी जो हेड सेम है, सिमिलर हेड्स हैं, उनको आप आपस में ऐड करते जाओगे P और S को। ये बेसिक रूल है। लेकिन इसमें आपने फर्दर क्या करना है, एक्सेप्ट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन S, cost of investment in S, ये हमारा head है, which is shown in P company books, in P company books shall be cancelled या set off, shall be set off against equity portion of S co ye bhi bilkul basic level par main leke aaya, equity portion of S company। so
अब ये ओवरऑल क्या कॉन्सेप्ट नजर आया, तमाम एसेट्स और तमाम लाइबिलिटीज आपस में हम कैंसिल कर ऐड कर देंगे एज लाइन बाय लाइन आइटम, ठीक है। लेकिन जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एस है, जो पी कंपनी की बुक में आपने शो की है, वो कैंसिल हो जाएगी अगेंस्ट इक्विटी पोर्शन ऑफ एस कंपनी। इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए मैं छोटी सी एग्जांपल ले रहा हूँ, यानी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दी हुई है SOFP ऑफ पी और एस, ये पी और एस रुपीज इन मिलियन, ठीक है जी। यहां हमें दिए हुए नॉन करंट एसेट्स, मैं पूरे पूरे हेड नहीं ले रहा अभी, नॉन करंट एसेट्स, और एक इन्वेस्टमेंट इन एस दी हुई है। करंट एसेट गिवन है और इसका टोटल आ रहा है, इसी तरह इक्विटी पोर्शन आ रहा है आपका, इक्विटी नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज। पी कंपनी के बुक में 750 मिलियन के नॉन करंट एसेट है, 200 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है, 250 मिलियन के करंट एसेट है, ये 1200 आ गए। इक्विटी इसकी 800 है, नॉन करंट लाइबिलिटीज 300 और करंट लाइबिलिटी 100, तो ये 1200। एस कंपनी की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, इक्विटी आ रही है हमारे पास 150, नॉन करंट लाइबिलिटीज 10 और 40, सॉरी 200, 10 और 40 विच इज 250। और एस कंपनी के नॉन करंट एसेट 150, 70, 30 विच इज 250, ठीक है जी। ये हमें बैलेंस शीट दी, अब वो हमें कहते हैं कंसोलिडेट करो। अब मैं बेसिक रूल अप्लाई कर रहा हूं, कंसोलिडेट। हमने क्या पढ़ा था कि तमाम एसेट्स और लाइबिलिटीज ऐड हो जाएंगी पी और एस की कंसोलिडेशन, लेकिन दो चीजें नहीं आएंगी, एक्सेप्शन पहले लूंगा। इन्वेस्टमेंट इन एस कंपनी एज शोन इन द पी कंपनी बुक, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एस विच इज शोन इन पी कंपनी बुक शेल बी सेट ऑफ अगेंस्ट इक्विटी पोर्शन ऑफ एस, ये कैंसिल हो जाए। अब मेरे पास बाकी जितनी अमाउंट है उसको मैं टोटल कर देता हूं, 750 प्लस 150, 900, ये 70 भी इसी तरह आएगा, ये 280, 50 प्लस 30, 280, ये भी इसी तरह आएगा। इसको आप प्लस कर लें, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल इन दोनों का सम नहीं होगा क्योंकि कुछ इसमें सेट ऑफ भी होती हैं। अभी अगर इसको प्लस करें तो 350 प्लस 900, 1250 आ गई अमाउंट। अब इक्विटी साइड पे आएंगे तो ये इक्विटी नहीं लेनी, इक्विटी सिर्फ पेरेंट की आएगी। इसी तरह नॉन करंट लाइबिलिटी 310 और करंट लाइबिलिटी दोनों को ऐड किया 140, अब इसको प्लस करें तो 1250 ही आ। सो ये कंसोलिडेशन के, ये छोटी सी एग्जांपल जो मैंने बिल्कुल शॉर्ट से एग्जाम्पल आपके सामने ली, ये सिर्फ इसलिए ली कि इस बेसिक रूल को समझाने के लिए। तो ये तो हर क्वेश्चन में आपने करना है, कंसोलिडेशन के बेसिक रूल अप्लाई कर, यानी मेन जितने भी एसेट्स हैं और लाइबिलिटीज हैं वो ऐड होगी एज लाइन बाय लाइन आइटम। इवन अगर मैं करंट एसेट को फर्दर तीन हिस्सों में डिवाइड करता हूँ, तो कैश कैश में प्लस होता, इन्वेंट्री इन्वेंट्री में प्लस होती, रिसीवेबल रिसीवेबल में प्लस होता, यानी आइटम वाइज आपने इसको कंबाइन करना। इसी तरह नॉन करंट एसेट सिर्फ मैंने वर्ड लिखा है, अब इसके अंदर अगर आपका पीपीई भी होता, इंटेंजिबल भी होता, तो पीपीई में पीपीई ऐड होना था, इंटेंजिबल में इंटेंजिबल ऐड होना, ठीक है। ये हमारा बेसिक रूल है, अब इसे अगले स्टेप पे जाएंगे। लेकिन यहां पर एक इशू क्या है, ये इक्वल क्यों आई कंसोलिडेशन? ये इक्वल इसलिए आई कि जिस चीज को आपने सेट ऑफ किया है, इन्वेस्टमेंट और इक्विटी, ये इक्वल है, और एक इसमें से डेबिट है और एक इसमें से क्रेडिट है, तो इसका मतलब डेबिट में से भी उतनी ही अमाउंट माइनस हुई और क्रेडिट में से भी उतनी अमाउंट माइनस हुई, ये इक्वल आ रहा है।
लेकिन अगर ऐसा भी तो हो सकता है जो कि यकीनन होगा कि इन्वेस्टमेंट इन एस और इक्विटी ऑफ एस, इन्वेस्टमेंट इन एस इन द बुक्स ऑफ पी और इक्विटी ऑफ एस ये इक्वल ना हो। अगर ये इक्वल ना हो तो व्हाट शुड वी डू? अब भी अगर ऐसी सिचुएशन होगी तब भी आपने याद रखना है कि रून को नहीं जोड़ना, ये कैंसिल होंगे। अब अगर ऐसी सूरत हाल हो कि ये दोनों इक्वल ना हो और हम इसको कैंसिल करके इस बेसिक रूल को अप्लाई करें तो ये दोनों इक्वल नहीं आएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इफ इन्वेस्टमेंट इन एस, इन्वेस्टमेंट इन एस इन द बुक्स ऑफ एस पी, इन द बुक्स ऑफ पी is not equal to equity portion of S. इसके इक्विटी पोर्शन के इक्वल ना होने की क्या वजह हो सकती है? नंबर वन, अभी मैं जरा बड़ा ब्रीफली डिस्कस कर रहा हूं, फिर इन डिटेल इन सब चीजों को डिस्कस करें। नंबर वन, आप जरा मुझे ये बताइएगा, अगर हमने एक बिजनेस खरीदा, उसकी वर्थ है, सपोज उसकी वर्थ है, बिजनेस की जो वर्थ है वो 600 मिलियन। जब मैं उस बिजनेस को खरीद रहा हूँ, एक्वायर कर रहा हूँ, उसके शेयर्स खरीद रहा हूँ, शेयर्स तो मार्केट वैल्यू पर होगी और ये जो वर्थ आ रही है ये बुक वैल्यू, और मैं बाय करूंगा इसको मार्केट वैल्यू पर, और मार्केट वैल्यू जो है वो 600 से इक्वल नहीं हो सकती, वो इससे ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, ठीक है? इन मोस्ट ऑफ द केसेस में ज्यादा होती है। अगर 600 का बिजनेस मैं 650 में खरीद रहा हूं, यानी 600 मिलियन का बिजनेस मैं 650 मिलियन में खरीद रहा हूं, 50 मिलियन में ज्यादा क्यों पे कर रहा हूं? ड्यू टू गुडविल ऑफ दैट बिजनेस। तो लिहाजा याद रखिएगा कि यहां पर पहली चीज जो है वो गुडविल आती है। इसका मतलब है कि ये जो आपने कैलकुलेट की है अमाउंट इन्वेस्टमेंट इन एस जो कैंसल किया इक्विटी पोर्शन के, अगर ये इक्वल ना हो, इक्वल ना होने की जो पहली रीजन होती है वो गुडविल। तो पहले मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि कहीं पे कोई गुडविल तो नहीं आ रही बिजनेस में, कंसोलिडेशन प्रोसेस के अंदर कोई गुडविल तो नहीं आ रही। अगर आ रही है, जब तक मैं गुडविल को कंसोलिडेशन में पुट नहीं करूंगा ये टैली नहीं होगी। नंबर टू, अच्छा अब हमने डिस्कस किया था यहाँ पर, ये जो मैंने डिस्कस किया तो ये 100% होल्डिंग की बात कर रहा है। इस एग्जांपल 100% होल्डिंग का मतलब क्या है? उसके सारे शेयर एक्वायर किए, यानी पूरे के पूरे 100% शेयर एक्वायर किए, जिसके वर्थ भी 200 थी, खरीदा भी 200। लेकिन ये जरूरी तो नहीं है एक बिजनेस 100% खरीदे, क्योंकि कंसोलिडेशन वहां पर की जाती है जहां पर नंबर ऑफ शेयर विल एक्सीड 50%। अब अगर एक बिजनेस ने 60% बिजनेस खरीद रहे हैं तो तब भी कंसोलिडेशन होगी, अगर 70% खरीद रहे हैं तब भी कंसोलिडेशन होगी, अगर 90% और 100% खरीद रहे हैं तब भी कंसोलिडेशन होगी। यानी वर्ड कंट्रोल जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, जहां आपकी कंपनी के पास कंट्रोल आ जाएगा आपके लिए कंसोलिडेशन जरूरी हो जाएगी। तो लिहाजा अगर मेरी होल्डिंग 100% से कम है, तो अगर मैंने 80% होल्डिंग की है तो इसका मतलब है 20% जो शेयर्स हैं वो किसके पास है? अब 20% शेयर तो हमने एक्वायर नहीं किए, 20% शेयर्स उन शेयर होल्डर्स के पास हैं जिनका अब इस बिजनेस पे कंट्रोल नहीं रहा। वो कोई भी हो सकता है, उस कंपनी के डायरेक्टर्स भी हो सकते हैं और जनरल पब्लिक भी हो सकती है, लेकिन उसका कोई कंट्रोल नहीं रहा। इसको हम कहते हैं नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। तो इसलिए अब चूंकि मैं 80% बिजनेस खरीदा है और मैं एसेट और लाइबिलिटी 100% ऐड कर रहा हूँ, 100%, ये नहीं करूंगा कि जी मैंने 80% खरीदा है तो 80% एसेट ऐड करूं, नहीं, एसेट और लाइबिलिटी जो रूल के मुताबिक है वो सारे ऐड होंगे। तो इट मींस कि जो आपने बिजनेस नहीं खरीदा उन एसेट्स पे आपका राइट नहीं है, उसको हम नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कहते हैं, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। और जब तक मैं नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट रिकॉर्ड नहीं करूंगा मेरी कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इक्वल नहीं आएगी, ठीक है? तो यहां पर नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट दूसरा एलिमेंट आ गया जो इन दोनों में डिफरेंस क्रिएट करेगा।
और थर्ड, तीसरा। अच्छा, अब आपने बिजनेस एक्वायर किया, जिस दिन एक्वायर किया ये उसी दिन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, यानी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑन द डे ऑफ एक्विजिशन है। जिस दिन आपने बिजनेस एक्वायर किया था उसी दिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसोलिडेट कर लिया। लेकिन हमने इससे पहले ये भी पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि पी और एस दोनों सेपरेट एंटिटीज हैं। जब दोनों सेपरेट एंटिटीज है, पी अपनी बुक्स बनाएगा, एस अपनी बुक्स बनाएगा, दोनों अपनी सेपरेट सेपरेट बुक्स बनाएंगे, पी और एस। लेकिन जब साल खत्म होगा तो फिर ये कंसोलिडेट होगी। अब अगर मैंने एक्वायर किया बिजनेस 1 जनवरी 2018 को और मैं कंसोलिडेट कर रहा हूँ 31 दिसंबर 2018 को, तो अब मैंने 31 दिसंबर 2018 को जाकर सारी इक्विटी कैंसिल कर दी रूल के मुताबिक, सारी इक्विटी एस कंपनी। हालांकि जनवरी से लेकर दिसंबर तक जो प्रॉफिट अर्न किया है एस कंपनी ने, वो कैंसिल नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी अगर एस कंपनी ने जो प्रॉफिट अर्न किया है उसका अगर 80% होल्डिंग हमारी है तो 80% प्रॉफिट हमें आना चाहिए, तो वो तो कैंसिल नहीं होगा। उसको कहते हैं पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स। इसका मतलब जब तक ये तीन चीजें मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा, मेरी कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इक्वल नहीं आ सकती। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स ये मुझे हर हालत में ऐड करने, तो इसका मतलब इट मींस कि जब तक मैं ये कैलकुलेशन नहीं करूंगा मैं कंसोलिडेशन प्रोसेस को कंटिन्यू नहीं करूंगा। यानी ये तो अभी सिर्फ बेसिक रूल लगाया था ना मैंने अभी। अब जब पूरा क्वेश्चन आता है उसके अंदर गुडविल भी निकाली जाएगी, उसके अंदर नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट भी होगा और उसके अंदर पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स भी होंगे। ठीक है, और अगर मैं इसको इग्नोर करते हुए और सिर्फ इस रूल को अप्लाई करके इसको कंसोलिडेट करूं तो ये कभी इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि वन और टू जो मैंने आपके सामने लिखे हैं ये इक्वल नहीं होंगे। ये जब तक इक्वल नहीं होंगे ये टैली नहीं करेगी, और इसको इक्वल जो करता है वो इन तीनों का नेट इफेक्ट है। इन तीनों का जो नेट इफेक्ट है वो इसके एग्जैक्टली इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल आता है। यानी नंबर वन और नंबर टू का जो डिफरेंस आ रहा है वो एग्जैक्टली इनका नेट डिफरेंस के इक्वल होता है, नेट इफेक्ट के इक्वल होता है। जब ये इक्वल होगी और आप उसके बाद जब मैं इन चीजों को कंसोलिडेशन में पुट करूंगा तो मेरी कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर आपकी डिस्कशन करनी है गुडविल की, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट की। ठीक है, पहले मैं इसको डिस्कस करने से पहले बेसिक वर्किंग की तरफ आता हूँ। कंसोलिडेशन में जब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, हम बेसिक वर्किंग से। ये हर क्वेश्चन में हम कर रहे हो, फाइव वर्किंग्स हैं। इसको अभी जो मैं वर्किंग आपके सामने कर रहा हूँ ये बिल्कुल बेसिक लेवल पे इग्नोरिंग एडजस्टमेंट, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे इन वर्किंग में इजाफा होता चला जाएगा। वर्किंग फाइव ही रहेंगी लेकिन इसके अंदर जो नंबर ऑफ आइटम्स हैं वो इंक्रीज होते रहेंगे। इसमें जो वर्किंग वन होती है हमारी, That is group structure. पहले आपने ग्रुप स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना है और इसमें तीन चीजें खास तौर पे आपने लिखनी है। जैसे भी लिख लो इसमें कोई हर्ज नहीं है, वो ये वर्किंग्स है। इसमें सबसे पहले आप जो मेन इंफॉर्मेशन होती है वो तीन होती है। एक डेट ऑफ एक्विजिशन, एक्वायर कब किया है, आपने एस कंपनी पर कंट्रोल कब हासिल किया है, यानी कब जो सेकेंड एंटिटी है वो आपकी सब्सिडरी कंपनी बनी है। एक्विजिशन डेट वो डेट होती है जिस डेट को आपका कंट्रोल आ जाता है दूसरी कंपनी पर। नंबर टू, परसेंटेज होल्डिंग, कि कितने परसेंट होल्डिंग आपने हासिल की, यानी उस कंपनी जिसको आपने एक्वायर किया है उस पर कितने परसेंट आपकी होल्डिंग है, आपके पास कितने परसेंट, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है अगर गिवन ना। नंबर ऑफ शेयर्स एक्वायर्ड, मैंने कितने शेयर्स एक्वायर किए इन एस,
एस के हमने कितने नंबर ऑफ शेयर एक्वायर्ड किए हैं। काजिम रजा वीडियो ऑफ करें प्लीज। डिवाइडेड बाय टोटल शेयर्स ऑफ एस, टोटल शेयर्स ऑफ एस, एस के टोटल शेयर कितने थे और उसमें हमने कितने शेयर एक्वायर किए हैं इन 200। ये मल्टीप्लाई करूंगा ये परसेंटेज ऑफ होल्डिंग आ जाएगी। ठीक है, मिसाल के तौर पे एक कंपनी है, उसके एस कंपनी है, उसके 600 मिलियन शेयर है और हमने 480 मिलियन शेयर एक्वायर किए, तो ये 80% इसका मतलब मैंने शेयर एक्वायर कर लिए हैं। दिस इज परसेंटेज होल्डिंग। और परसेंटेज एनसीआई फिर क्या होगी, ये तो खैर सिंपल निकल आती है। 100% में से मैं माइनस कर दूंगा होल्डिंग परसेंटेज, होल्डिंग परसेंटेज। मसलन अगर 80% होल्डिंग है तो 20% एनसीआई है, 70% होल्डिंग है 30% एनसीआई है। ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाता है। ये हमारी पहली वर्किंग है जो बड़ी जरूरी है, जिससे हमें ये पता लगता है कि कितने परसेंट हमारे पास कंट्रोल है। कंट्रोल तो 100% ही होता है, यानी कितने परसेंट हमारे पास होल्डिंग है, कितने परसेंट हमारे पास एनसीआई है और कब हमने इसको एक्वायर किया था। ठीक है, वर्किंग टू, दिस इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट वर्किंग, नेट एसेट्स ऑफ एस, नेट एसेट्स ऑफ एस, एस कंपनी के मुझे नेट एसेट्स चाहिए। अच्छा, नेट एसेट्स क्या होते हैं, व्हाट आर द नेट एसेट्स। द डिफरेंस बिटवीन टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज। इसका मतलब है कि एस कंपनी के सारे एसेट्स को मुझे लिस्ट डाउन करना पड़ेगा, सारी लाइबिलिटीज को लिस्ट डाउन करना पड़ेगा और फिर एसेट्स में से लाइबिलिटी लेस कर दूंगा तो नेट एसेट्स आ जाएंगे। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें तो नेट एसेट्स माइनस टोटल एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटी इज ऑल्सो नोन एज इक्विटी। तो आई कैन से द नेट एसेट इज इक्वल टू इक्विटी, नेट एसेट जो है वो इक्विटी के इक्वल होंगे। ठीक है, अब जैसे कि नेट एसेट जो है वो इक्विटी के इक्वल हुए तो मैं बजाय टोटल एसेट और टोटल लाइबिलिटीज को लिस्ट डाउन करूं, इससे बेहतर नहीं है कि मैं सिंपल इक्विटी लिख दूं। तो यहां मैं लिखता हूं जी शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम, अब मुझे यहां पर शेयर कैपिटल प्रीमियम तो लिस्ट डाउन करने हैं। अब मुझे नेट एसेट्स किस डेट के चाहिए, दो डेट, एक एक्विजिशन डेट, एट एक्विजिशन डेट उस दिन क्या नेट एसेट्स है, और एक एट रिपोर्टिंग डेट, और रिपोर्टिंग डेट को क्या नेट एसेट्स। ठीक है, अब यहां पर सबसे पहले आपने लेना है शेयर कैपिटल, अच्छा शेयर कैपिटल एक्विजिशन डेट पर क्या था, जिस दिन आपने बिजनेस एक्वायर किया था, और रिपोर्टिंग डेट को क्या, ये सारा डाटा क्वेश्चन से हम लेंगे। फिर इक्विटी में आता है शेयर प्रीमियम, ये भी एक्विजिशन डेट पे क्या था और रिपोर्टिंग डेट पे क्या, ये सेम आ जाएगा आपका। उसके बाद रिटेन्ड अर्निंग्स, जिसको रिटेन्ड प्रॉफिट भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, जिस दिन आपने बिजनेस एक्वायर किया था उस दिन रिटेन्ड अर्निंग क्या थी और रिपोर्टिंग डेट को रिटेन्ड अर्निंग क्या है। अब इन दोनों को हम जब टोटल कर लेंगे, इसका सपोज टोटल ए आता है, इसका टोटल बी है, तो यहां पर हम एक कॉलम छोटा सा बनाते हैं पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट और लॉस, जो मुझे चाहिए पोस्ट एक्विजिशन। मैंने तीन चीजें डिस्कस की थी, गुडविल, नंबर वन गुडविल, नंबर टू एनसीआई और नंबर थ्री
पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट और लॉसेस। ठीक है जी, ओके। अच्छा आप जरा इसको जरा देखिएगा, मुझे 2 मिनट दीजिएगा, जरा वॉशरूम से होके आप प्लीज जरा इसको देखिए। स्टूडेंट्स आप लोग उतनी देर मुझे अपनी अटेंडेंस बोल दें। ओके मैम। ओके अब्दुल्ला शौकत, अहमद इशफाक, प्रेजेंट मैम, अंसा शफीक, अरसलान जफर, प्रेजेंट मैम, असद मुनीर, असद मुनीर, प्रेजेंट मैम, एमन मुजीब, ओके, एमन मुजीब, दुरे शहवार, प्रेजेंट मैम, ईमान तारिक, प्रेजेंट मैम, फाइज, फाइज फाइज हैं जी, फहद अहमद ख्वाजा, प्रेजेंट मैम, फजर अफजल, फजर अफजल, गुले राना, प्रेजेंट, हमादुल्ला, प्रेजेंट, हानिया खालिद मुगल, हिरा नाहिद, जवेदिया जफर, मेमुना जुबैर, मेमुना जुबैर, मेविश खान, प्रेजेंट, मिशेल जमीर, प्रेजेंट मैम, मोहम्मद अहमद, प्रेजेंट मैम, मोहम्मद अली, प्रेजेंट, मोहम्मद एहतिशाम, मोहम्मद हमजा आमिर, मोहम्मद काजिम रजा, प्रेजेंट, मोहम्मद उस्मान, यस मैम, मोहम्मद उस्मान, यस मैम, मोहम्मद ज़करिया, मोहम्मद ज़करिया, मुनीबुल हसन, नवाब, प्रेजेंट मैम, प्रेजेंट मैम, ओके ये मुनीब है, यस मैम, ओके नवाल, नुमान जावेद, परवेशा महमूद, प्रेजेंट मैम, कुरुद्दीन असलम, प्रेजेंट मैम, राबिया साकिब, प्रेजेंट मैम, शाहिद इकराम, प्रेजेंट, सईदा मासूमा बतूल, प्रेजेंट मैम, तहरीन सलमान, उसामा खान, यस मैम, ओके ओके स्टूडेंट्स, तो ये दो चीजें हमने कैलकुलेट की, एक्विजिशन डेट पर मेरे नेट एसेट्स, सर एक मिनट, ओके सर एक मिनट, जुनैर वसीम है, ठीक है सर अब आप कंटिन्यू करें। अच्छा जी, तो मैं बात कर रहा था नेट एसेट्स एक्विजिशन डेट पर जितने भी होंगे उसको टोटल किया, सपोज इसका टोटल ए आया, रिपोर्टिंग डेट को जो हमारे नेट एसेट्स हैं उसका टोटल बी आया, तो जब मैं बी माइनस ए करूंगा, यानी रिपोर्टिंग डेट को क्या मेरी इक्विटी थी और एक्विजिशन डेट को क्या थी, तो जो डिफरेंस आएगा वो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट और लॉसेस आ जाएगा। अगर प्लस में आ रहा है तो ये बी माइनस ए है, बी माइनस ए,
is equal to C. अब ये word मैंने C use किया, ये C stands for post acquisition profits या post acquisition losses. ये working two है हमारे, ठीक है. अभी तो बहुत छोटी सी, ये सबसे lengthy working होती है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे. अब working three is a goodwill. अब मैं उन तीन चीजों की तरफ आता हूँ, goodwill. अब गुडविल कैसे कैलकुलेट की जानी है, इसकी चूंकि मैंने डिटेल में डिस्कशन करनी है, वो इसके बाद में स्टार्ट करता हूँ, ठीक है. इसमें दो मेथड होते हैं, अब डिटेल में मैंने पहला जो स्टेप होता है वो यहीं से होता है, गुडविल से. तो इसको मैं यहाँ नहीं लिख रहा कि गुडविल कैसे कैलकुलेट की जानी है, लेकिन वर्किंग थ्री है गुडविल. अब वर्किंग फोर है नेट एसेट्स, एनसीआई, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट. इसको हम स्टार्ट लेते हैं नेट NCI at acquisition. ये कैसे कैलकुलेट होगी, ये गुडविल में सीखेंगे हम. यानी जिस दिन हमने बिजनेस को एक्वायर किया था उस दिन NCI क्या थी. लेकिन जिस दिन मैंने बिजनेस को एक्वायर किया, अगर 80% बिजनेस एक्वायर किया तो 20% उसकी NCI आ जाएगी. अब फिर उसमें दो मेथड होते हैं, वो दोनों की डिस्कशन बाद में. इसमें हम ऐड करेंगे पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, यानी वो प्रॉफिट जो पोस्ट एक्विजिशन अर्न किए. लेकिन कितने अर्न किए आपने पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, सी. ये जितनी भी वैल्यू होगी सी, ये सारे यहाँ ऐड नहीं होने, बल्कि इसको परसेंटेज ऑफ एनसीआई में लेंगे. इसका बड़ा सिंपल मीनिंग आपको समझाता हूँ. फर्ज करें जिस दिन आपने एक्वायर किया है उस दिन से लेकर रिपोर्टिंग डेट तक एस कंपनी ने 60,000 या 60 मिलियन प्रॉफिट अर्न किया. इस प्रॉफिट में 80% शेयर जो है वो हमारा है और 20% किसका है, एनसीआई का. यानी 80% ग्रुप का है और 20% एनसीआई का. तो ये जो 60 मिलियन मैंने निकाला, ये पोस्ट एक्विजिशन है. यानी सी को परसेंटेज ऑफ एनसीआई में कन्वर्ट कर दूंगा, वो इसमें प्लस या माइनस हो जाएगा. अगर प्रॉफिट है तो ऐड होगा, अगर लॉस है तो वो माइनस होगा. ये बस इतनी सी वर्किंग आपके सामने की मैंने एनसीआई. वर्किंग फाइव और लास्ट वर्किंग, ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग, GRE हम इसको मुख्तसर कहते हैं, ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग. यानी ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से ओवरऑल रिटेन्ड अर्निंग क्या है. ग्रुप में दो कंपनीज हैं इस वक्त, एक पी कंपनी और एक एस कंपनी. तो पी कंपनी की जितनी रिटेन्ड अर्निंग है सारी लोग वो तो आनी है, और एस कंपनी की जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है सी, इसको कन्वर्ट कर दोगे परसेंटेज होल्डिंग में, वो रिटेन अर्निंग में आ जाएगी. यानी पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट आएगा एस का. जिस दिन आपने बिजनेस एक्वायर किया एस का, उस वक्त तक जितने प्रॉफिट एस अर्न कर चुकी है उससे हमारा कोई कंसर्न नहीं, उसके अगेंस्ट तो हम पेमेंट कर रहे हैं बिजनेस एक्विजिशन के वक्त. जिस दिन एक्वायर कर लिया उस डेट से लेकर आज तक जितने भी प्रॉफिट अर्न किए हैं इस कंपनी ने, उसका 80% अगर हमारा शेयर है तो 80% यहां ट्रांसफर हो जाएगा. 90% है तो 90% यहां ट्रांसफर होगा और 10% यहां आ जाएगा. अगर 80% है तो 80% ग्रुप रिटेन अर्निंग मिलेंगे और 20% एनसीआई मिलेंगे. अब अगर ये प्रॉफिट है तो प्लस होगा, लॉस है तो माइनस होगा. इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये अमाउंट आ जाएगा ग्रुप रिटेन अर्निंग, और ये आ जाएगी आपकी एनसीआई. और गुडविल तो अभी हमने डिस्कशन करनी है डिटेल में. ये बेसिक वर्किंग आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए. जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ये वर्किंग रिवाइज होती जाएंगी, हर एडजस्टमेंट में मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा, ताकि जिस वक्त हम प्रॉपर क्वेश्चन स्टार्ट करें तो आपको ये जुबानी याद हो चुकी हूँ कि इसमें क्या क्या चीज आ गई, ठीक है. अब मैं चूंकि स्टार्ट लेता हूँ गुडविल को, और ये मेरा डिटेल में है इसलिए नेक्स्ट स्लाइड में आऊंगा. गुडविल, देर आर टू मेथड्स ऑफ गुडविल. द फर्स्ट मेथड इज प्रोपोर्शनेट मेथड. प्रोपोर्शनेट मेथड यानी इसमें हम करते क्या, प्रोपोर्शनेट मेथड में जितने परसेंट आपने बिजनेस एक्वायर किए उतने परसेंट गुडविल रिकॉर्ड करें. मसलन अगर 80% बिजनेस एक्वायर किया तो 80% गुडविल हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे. अगर 90% बिजनेस एक्वायर किया
तो 90% हम गुडविल रिकॉर्ड करेंगे. इस मेथड को कहते हैं प्रोपोर्शनेट मेथड. दिस इज आल्सो नोन एज ओल्ड मेथड. ठीक है, ये ट्रेडिशनल मेथड है जिसको हम यूज करते हैं. अब इसको कैलकुलेट करने के दो तरीके, दो तरीकों से कैलकुलेट होता है, आंसर सेम आता है. ठीक है, मसलन मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ कि नेट के जिस अपने कंपनी को एक्वायर किया है उसके नेट एसेट्स जो है, यानी नेट एसेट्स ऑफ एस एट एक्विजिशन डेट, जिस दिन आपने बिजनेस को एक्वायर किया है उस दिन आपके नेट एसेट्स जो है वो 700 मिलियन. ठीक है, और होल्डिंग की आपने 80%. और जो आपकी परचेज कंसीडरेशन है जो तय हुई है अमाउंट उनके साथ इन शेयर्स को एक्वायर करने के लिए वो 600 मिलियन. अब मैं आपसे कहता हूं गुडविल निकाल दो प्रोपोर्शनेट मेथड. ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट द गुडविल. देखें गुडविल होती क्या है जनरली, द डिफरेंस बिटवीन परचेज कंसीडरेशन एंड द नेट एसेट्स ऑफ कंपनी इज अ गुडविल. यानी कितने बिजनेस मैं खरीद रहा हूँ, जो बिजनेस खरीद रहा हूँ उसकी वर्थ क्या है और पे क्या कर रहा हूँ. मैंने जैसे इससे पिछली स्लाइड में आपको कहा, एक एग्जांपल दी थी, अब वैल्यूज में कुछ और लेके समझा रहा हूँ कि अगर मैंने एक बिजनेस एक्वायर किया है जिसकी वर्थ 600 मिलियन है और मैं उसके लिए 650 मिलियन पे कर रहा हूँ, तो मैं 50 ज्यादा क्यों पे कर रहा हूँ? बिकॉज ऑफ वर्थ ऑफ दैट बिजनेस, दिस इज नोन एज गुडविल. बिकॉज ऑफ रेप्यूटेशन ऑफ दैट बिजनेस व्हिच इज आल्सो नोन एज गुडविल, ये बिजनेस की गुडविल हो. ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करने का जैसे मैंने कहा दो तरीके होते हैं. पहला तरीका तो सिंपल ये है, मैं लिखूंगा जी कि परचेज कंसीडरेशन कितनी है. अभी मैं पूरे वर्ड नहीं यूज कर रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता करूंगा. परचेज कंसीडरेशन कितनी है, कितने में बिजनेस खरीदा है आपने, यानी कितनी अमाउंट आपने इन अदर वर्ड्स उस बिजनेस के लिए पे की है. 600 मिलियन, ये रुपीज इन मिलियन. लेकिन ये 600 मिलियन कितने शेयर के अगेंस्ट गया है, यानी नेट वर्थ ऑफ बिजनेस क्या थी. अब अगर आप देखें तो नेट वर्थ कितनी है बिजनेस की, 700 मिलियन. लेकिन सारा बिजनेस तो मैंने नहीं खरीदा, इसका 80% बिजनेस मैंने बाय किया है. तो 700 का 80% लें, 560 मिलियन, यानी 560 मिलियन के एसेट के अगेंस्ट मैंने 600 मिलियन पे कर रहा हूं. दिस इज 40 इज द गुडविल. ये बड़ा सिंपलेस्ट वे है कैलकुलेट करने का. लेकिन सेकंड इसका तरीका क्या है, ये मेथड वन की बात कर रहा हूं प्रोपोर्शनेट की. सेकंड ये है कि हम नेट वर्थ पूरी शो करते हैं, यानी 700 हमने बेशक खरीदा 80% है लेकिन 20% NCI है उसको शो कर देते हैं. तो दिस इज द प्रॉपर वे ऑफ क्वेश्चन कि हम इसको परचेज कंसीडरेशन लेते हैं. परचेज कंसीडरेशन हमारी कितनी है, 600 मिलियन. अच्छा, ये 600 मिलियन जो अमाउंट मैंने लिखी ये कितने परसेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ये 600 मिलियन की जो अमाउंट मैं पे कर रहा हूँ ये कितने परसेंट बिजनेस के अगेंस्ट है, 80% के अगेंस्ट. इसका मतलब 20% बिजनेस आपने एक्वायर नहीं किया, वो NCI शेयर आ जाएगा इन नेट एसेट्स. यानी जो नेट एसेट्स है बिजनेस की नेट वर्थ है वो कितनी है, 700 मिलियन. 700 मिलियन का 20% ले लेता हूँ, which is 140. अब अगर इन दोनों को देखें तो ये 20% हो गया, तो ये 100% बन चुका है. यानी 600 मिलियन में मैंने बिजनेस खरीदा और 140 मिलियन का बिजनेस मैंने बाय नहीं किया, वो स्टिल अभी भी NCI के पास है, नॉन कंट्रोलिंग के पास, उनका राइट उनके पास है. 740 मिलियन की जो मेरी टोटल वर्थ आ गई बिजनेस की, यानी जो पेमेंट की है, और इसके अगेंस्ट नेट वर्थ मेरी कितनी आ रही है. अब मैं यहां पूरी नेट वर्थ शो करूंगा, 700. तो अब भी देखें तो गुडविल का आंसर वही आएगा. हम इस मेथड को रिकमेंड करते हैं. ठीक है, उसकी रीजन क्या है, इसको हम क्यों रिकमेंड करते हैं, क्योंकि अभी हमने इसे आगे वर्किंग फोर बनानी है NCI. इससे पिछली स्लाइड में NCI में मैंने लिखा था स्टार्ट NCI करते हैं एट एक्विजिशन डेट, तो वो ये वैल्यू आ चुकी होती है. इस वैल्यू को हम यहाँ कैलकुलेट पहले करते हैं,
टोटल करते हैं और फिर टोटल नेटवर्थ लेस करते हैं तो आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, चाहे इस मेथड से करो इससे करो, इससे भी करोगे कोई मसला नहीं, लेकिन ये कैलकुलेशन फिर भी आपको करनी पड़ेगी। इसलिए हम एक ही दफा कैलकुलेशन करते हैं और दो जगह पुट कर देते हैं, एक जगह डेबिट और एक जगह क्रेडिट, तो ये ज्यादा कंपैरेटिवली आसान होता है। दूसरा, जब हम फेयर वैल्यू मेथड यूज करते हैं वहां पर इसी मेथड को यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। अब आइएगा सेकंड, फेयर वैल्यू। मैं जरा फेयर वैल्यू कर लूं, उसके बाद अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो मैं जरूर पूछूंगा, क्योंकि मैं एक कंपैरिजन खास तौर पे करना चाह रहा हूं फेयर वैल्यू मेथड, और फेयर वैल्यू मेथड को हम फुल गुडविल मेथड भी कहते हैं, वो प्रोपोर्शनेट है ये फेयर यानी फुल गुडविल, यानी इसमें आप बिजनेस अगर 80% भी खरीद रहे हैं तो गुडविल जो रिकग्नाइज हो रही है वो आपकी 100% रिकग्नाइज हो रही है, अगर 90% खरीद रहे हो तब भी 100% हो रही है, और इसका इसके पीछे जो आर्गुमेंट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो कह रहे हैं जी कि अगर आप 80% बिजनेस खरीदते हो, रूल के मुताबिक तमाम एसेट और तमाम लाइबिलिटीज आप ऐड करते हो, इससे पहले जो हमने पढ़ा है, चाहे वो पीपीई हो या इंटेंजिबल हो या करंट एसेट्स हो या करंट लाइबिलिटीज हो या नॉन करंट लाइबिलिटी हो, वो 100% ऐड होती है। तो फेयर वैल्यू मेथड में गुडविल फिर प्रोपोर्शनेट क्यों कही जाती है, इसको फुल करना चाहिए, इसलिए हम इसको न्यू गुडविल मेथड भी कहते हैं। और आज अब ज्यादा जो है वो यही एप्लीकेबल होता है। अब अगर इसी एग्जांपल को मैं यहां लाऊं और थोड़ी सी चेंज करूंगा डाटा में, यानी नेट एसेट्स ऑफ एस जो है एट एक्विजिशन डेट वो हमारे 700 मिलियन है, होल्डिंग हमारे पास 80% है, और फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई, यहां पर फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई और यहां पर हमने ली थी बुक वैल्यू ऑफ एनसीआई, यानी ये बुक वैल्यू से उठा रहे थे, यहां फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई और ये क्वेश्चन में गिवन होती है। सो सिंपल, अगर ये क्वेश्चन में गिवन ना हो तो फिर आप प्रोपोर्शनेट मेथड को ही यूज करते हैं, और उसके बाद परचेज कंसीडरेशन में वही 600 ले रहा हूं। अब अगर इसी डेटा से गुडविल फेयर वैल्यू के थ्रू निकालता हूं, सेम डेटा है, सिर्फ एक चीज का मैंने इजाफा किया, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई, क्योंकि मेथड मेरा फेयर वैल्यू है, और परचेज कंसीडरेशन जो है वो मेरी अगर 600 मिलियन है। अब अगर आपसे कहूंगे गुडविल निकालो, तो गुडविल कैसे निकलेगी, वही लूंगा परचेज कंसंट्रेशन, मैंने बिजनेस कितने में खरीदा, कितनी वैल्यू पे की उसके अगेंस्ट, 600 मिलियन, मैंने 600 मिलियन का शेयर का बिजनेस बाय किया, इसमें अब मैंने लूंगा फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई, वहां पर और इस मेथड में फर्क क्या है, यहां ये जो एनसीआई शेयर ले रहे हो ये प्रोपोर्शनेट है, यानी बुक वैल्यू पर है, और ये फेयर वैल्यू पर है जो कि 145 हो गई। अब इन दोनों को ऐड किया तो ये 845 आ। अब इसमें से 745 और इसमें से मैं लेस कर देता हूं नेटवर्थ, बिजनेस की नेटवर्थ, और बिजनेस की नेटवर्थ आ रही है 700 मिलियन। अब इसको लेस कर दें तो 45 मिलियन जो है वो हमारे पास गुडविल आ जाएगी। अब सेम डाटा है, प्रोपोर्शनेट मेथड से 40 आंसर आया, फेयर वैल्यू से 45 आया, फर्क कहां पे आ रहा है जरा ये भी देख लेते हैं। इसको अलग से मैं ले रहा हूं फर्क, देखिए बेसिकली इसमें दो पोर्शन होते हैं, एक पोर्शन होता है पेरेंट का और एक होता है एनसीआई का। अगर मैं इसको प्रोपोर्शनेट करता जाऊं, देखें प्रोपोर्शनेट मेथड में, प्रोपोर्शनेट मेथड में आपके नेट एसेट्स जो हैं वो कितने कितने हैं बिजनेस के, नेट एसेट्स देखें, नेट एसेट्स मेरे 700 मिलियन, इसमें पेरेंट हमारे पास कितने परसेंट हम खरीद रहे हैं, 80%, यानी 560 मिलियन के शेयर पेरेंट के पास आ गए,
यानी आगे से मैं आए तो 100% है. कंट्रोल जो है यानी आप ये कह सकते हो कि राइट जो है हमारा एसेट्स पर वो 560 मिली है और NCI 140 मिली. और आप जो पेमेंट कर रहे हो परचेज कंसिडरेशन, चूंकि प्रोपोर्शनेट मेथड है तो हम सिर्फ पेमेंट कर रहे हैं इसके अगेंस्ट. और ये कितनी बन रही है अमाउंट? 600 मिलियन. हम एनसीआई के अगेंस्ट कुछ पे नहीं कर रहे. तो अब ये जो डिफरेंस आ रहा है 40 का वो गुडविल का आ रहा है, यानी इसके अगेंस्ट हम कोई पे नहीं कर रहे. तो ये 140 ही रहेगा, टेक्निकली ये 140 ही रहेगा. तो इसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, इसकी बुक वैल्यू के इक्वल है. तो ओवरऑल गुडविल 40 आई. फेयर वैल्यू मेथड में देखते हैं, नेट एसेट्स तो वही रहेंगे फेयर वैल्यू मेथड में. नेट एसेट्स 560 और 140. अब जो आप पे कर रहे हो परचेज कंसिडरेशन, ये इसकी फेयर वैल्यू होती है. अब फेयर वैल्यू आप पे कर रहे हो 600, लेकिन दूसरी तरफ एनसीआई की फेयर वैल्यू 145 है. अब देखें यहां पर 40 की गुडविल ये आ गई और 5 का ये पोर्शन आ गया. टोटल कितना हो गया? 45. सिर्फ मैं आपको यहाँ पर फुल गुडविल और प्रोपोर्शनेट का लॉजिक बताना चाह रहा हूँ. प्रोपोर्शनेट मेथड में सिर्फ और सिर्फ गुडविल का वो पोर्शन आता है जो हमारी कंपनी से रिलेट करते हैं, यानी उतना हिस्से से रिलेट करता है जितना आपने बाय किए. फेयर वैल्यू मेथड में दोनों का सम आ रहा होता है. इसमें एनसीआई का जो वैल्यू बढ़ रही है वो भी गुडविल की बाकायदा रिकग्नाइज होती है. इस वजह से हम इसको फुल गुडविल मेथड कहते हैं. ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको डिटेल दी, अदरवाइज मुझे इसकी जरूरत नहीं. ये कॉन्सेप्चुअली थोड़ा सा मैंने समझाने की कोशिश की कि इन दोनों मेथड्स में बेसिक डिफरेंस क्या है. तो लिहाजा अगर इस मेथड को और इस मेथड को देखें तो ये सिमिलर नजर आएगा, यानी परचेज कंसंट्रेशन, परचेज कंसंट्रेशन, एनसीआई एनसीआई, नेटवर्थ नेटवर्थ. सिर्फ फर्क क्या है, यहां एनसीआई बुक वैल्यू पर है और यहां पर एनसीआई फेयर वैल्यू, जिसकी वजह से आपकी गुडविल में ओवरऑल डिफरेंस आ रहा है. ठीक है, ये हमारी गुडविल के दो मेथड होते हैं. अब एग्जामिनेशन में आपने अगर तो फेयर वैल्यू मेथड के मुतालिक कोई इंफॉर्मेशन दी हुई है तो मैं फेयर वैल्यू मेथड लूंगा, अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई तो मैं प्रोपोर्शनेट मेथड की तरफ मूव करूंगा. या समटाइम एग्जामिनर क्लियरली लिख देता है कि कंपनी जो है वो फेयर वैल्यू मेथड यूज कर रही है या कंपनी प्रोपोर्शनेट मेथड यूज कर रही है. वो जिस मेथड को भी यूज करेगी उसी को हम अप्लाई करेंगे, चाहे वो फेयर वैल्यू हो या प्रोपोर्शनेट हो. इन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये आता है. अब ये जो गुड, इसमें तीन चीजें हमने डिस्कस की. एक परचेज कंसिडरेशन, इसके लिए जो हम स्टैंडर्ड वर्ड यूज करता है वो कहता है जी इट मस्ट बी एट फेयर वैल्यू, यानी परचेज कंसिडरेशन भी फेयर वैल्यू पर होनी चाहिए. यानी आज अगर मैं बिजनेस खरीद रहा हूँ तो वो फेयर वैल्यू ही तो होती है. मिसाल के तौर पे अगर आज बिजनेस खरीद रहा हूँ, आज जो शेयर्स की प्राइस है मैं उसी वैल्यू पर इसको बाय करूंगा. ठीक है, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई ये भी आपको गिवन होगी. और नेटवर्थ, नेटवर्थ सिर्फ वाहिद बुक वैल्यू होती है जो हम ले रहे होते हैं, लेकिन अभी बुक वैल्यू है इसको भी आगे जाके पढ़ेंगे कि ये फेयर वैल्यू पर होनी चाहिए. अभी मैं फिलहाल बुक वैल्यू लेता हूँ, लेकिन अल्टीमेटली स्टैंडर्ड ये कहता है कि मस्ट बी कन्वर्टेड एट फेयर वैल्यू. इसको भी हमने कन्वर्ट करना है फेयर वैल्यू पर. अब ये तीन चीजें स्टेप बाय स्टेप मैंने डिस्कस करनी है. परचेज कंसिडरेशन क्या होती है, उसमें क्या क्या शामिल होता है. ठीक है, इसलिए पहली जो मेरी डिस्कशन है आपसे वो परचेज कंसिडरेशन के बारे में. व्हेन वन कंपनी buys shares in another company, there is an amount which is agreed between two companies. How the payment will be made? वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे. It is a part of purchase consideration. इसमें सबसे पहले नंबर ए आता है on spot payment. On spot से मतलब ये लेते हैं जिस दिन agreement हुआ within day or two days payment हो जाती है, on spot considered होती है. यानी जिस दिन agreement final हुआ साथ ही आपने payment कर दी. ठीक है, on इसको हम cash payment भी कहते हैं. Second very interesting है, इसको कहते हैं deferred consideration. deferred payment या deferred consideration.
What is deferred payment? Any payment which shall be payable in future. जैसे आप कोई भी चीज खरीदते हो आम रूटीन में, उसमें दो चीजें हो सकती हैं, either we can buy the goods for cash or on credit. ये दो सिचुएशन हो सकती, तीसरी नहीं होती, या कैश पे खरीदेंगे या क्रेडिट पे खरीदेंगे. ठीक है, तो इसी तरीके से जब मैं कोई बिजनेस के शेयर्स एक्वायर करता हूँ तो उसमें कैश भी हो सकता है और डेफर्ड पेमेंट भी हो सकती है. डेफर्ड पेमेंट इज द पेमेंट शैल बी मेड इन फ्यूचर. अब यकीनी बात है जो फ्यूचर की पेमेंट होगी वो आज की पेमेंट के इक्वल तो नहीं होगी, टू बी मेड इन फ्यूचर. तो इनके दरमियान एक प्राइस एग्री होती है जो नॉर्मली जो आज की प्राइसों से हाई होती है. ठीक है, फिर हम ये पे करेंगे. अब इसकी डिटेल में डिस्कशन एक एक की मैंने करनी है, अभी मैं सिर्फ आपके सामने ये परचेज कंसीडरेशन लिख रहा हूं. तीसरा होता है कॉन्टिंजेंट कंसीडरेशन. कॉन्टिंजेंट कंसीडरेशन, it is not a contingent liability as specified in IAS 37. ye yaad rakhega, ye word hai contingent consideration, yani in any payment, in future payment, ye bhi future payment hai, but it shall be based on some contingency, or in very simple word, it is conditional payment. यानी ऐसी पेमेंट जो एक फ्यूचर कंडीशन से लिंक करती है, अगर कंडीशन फुलफिल होगी तो हम ये पेमेंट करेंगे, फ्यूचर कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो ये पेमेंट नहीं करेंगे. अब सवाल ये है कि ऐसी पेमेंट को मुझे रिकॉर्ड करना चाहिए या नहीं. लेकिन ये बात है जो बिजनेस बेच रहा है और उस पर वो कंडीशन लगा रहा है दूसरा पार्टी खरीदने वाला कि मैं पेमेंट तब करूंगा अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है, तो इफ द चांसेस ऑफ कंडीशन इज प्रोबेबल, और बल्कि मैं तो यहां तक करूंगा कि चांसेस इज मोस्ट लाइकली, तो तभी वो एक्सेप्ट करेगा. तो लिहाजा याद रखिएगा कॉन्टिंजेंट कंसीडरेशन शैल बी अ पार्ट ऑफ परचेज कंसीडरेशन, ये उसका हिस्सा होता है. ये तीन चीजें आ गई. नंबर फोर डी इज द शेयर एक्सचेंज. शेयर एक्सचेंज यानी मीन आप एस कंपनी के शेयर्स को लेकर उसको रिप्लेस कर देते हैं आप पेरेंट कंपनी के शेयर से, यानी शेयर्स लेकर उसकी जगह रिप्लेस कर दिया आपने अपनी कंपनी के शेयर्स, उसको हम कहते हैं शेयर एक्सचेंज. तो ये परचेज कंसीडरेशन में टोटल फोर पार्ट्स हैं. एग्जामिनेशन में चारों एक क्वेश्चन में नहीं आते, यानी मैक्सिमम टू तक वो यहाँ पर डिस्कशन करते हैं. ठीक है, तो अब परचेज कंसीडरेशन की डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो क्योंकि आज टाइम अभी कम है तो मैं सबसे पहले आपके एक डिस्कस करूंगा यहाँ पर ऑन स्पॉट पेमेंट. मैंने एक बिजनेस खरीदा, 60% या 80% शेयर हमने खरीदे और उसके गेस्ट हमने आज ही पेमेंट कर दी ऑन स्पॉट. इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. ये जो कंपनी खरीद रही है, यकीनी बात है कौन सी कंपनी खरीद रही है, पी कंपनी. पी कंपनी बुक में क्या एंट्री पास होगी जिस वक्त वो शेयर एक्वायर करेगा, वो इन्वेस्टमेंट इन एस डेबिट करेगा अपने बुक में, जो कि उसकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में हमें नजर आ रही होती है, जिसके मुतालिक अभी हमने पढ़ा था इट शैल बी कैंसल्ड, इट शैल बी सेट ऑफ. वो हमारा कैंसल हो जाएगा, सेट ऑफ हो जाएगा अगेंस्ट इक्विटी पोर्शन. इन्वेस्टमेंट इन एस डेबिट और कैश क्रेडिट जितनी भी अमाउंट होगी वो हम इससे ये एंट्री पास करते हैं, और ये एंट्री ऑलरेडी हो चुकी होती है मोस्ट इन मोस्ट ऑफ द केसेस इन सिंगल कंपनी अकाउंट्स. यानी जब आप उस कंसोलिडेटेड सॉरी सिंपल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन लेते हो पी कंपनी की, तो उसके जो एसेट्स हैं उसमें ऑलरेडी आ रहा होता है इन्वेस्टमेंट इन एस, ये ऑलरेडी इसमें आ रहा होता है. तो सिंपल हमने क्या करना है कि इसको वहां पर रूल लगाना है कि इसको कैंसिल कर देना है. लेकिन अगर आपकी ये एंट्रीज पूछ ले, एग्जामिनर एंट्री भी रिक्वायर कर सकता है, इवन उसने अपने सिलेबस के अंदर लिखा है कि एंट्रीज आर एग्जामिनेबल, तो फिर आपको ये एंट्री आनी चाहिए कि अगर आप ऑन स्पॉट पेमेंट कर रहे हैं बिजनेस को तो इन्वेस्टमेंट डेबिट करेंगे और कैश को क्रेडिट करेंगे. ठीक है जी. इसी तरह अगर मैं बात करूँ डेफर्ड पेमेंट, डेफर्ड पेमेंट
deferred payment kya hai? Any payment which is payable in future, which shall be made in future. Ab future se matlab kya hai? Ye bhi to ho sakta hai ki aapne payment after 3 month karni hai, 6 month karni hai. Ye bhi to ho sakta hai ki payment aapne 3 years mein karni hai. पेमेंट आपने 4 years में करनी है, ये दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो डेफर्ड पेमेंट में अगर पेमेंट शॉर्ट टर्म है, नॉट एक्सीडिंग 1 year, अगर 1 साल से एक्सीड नहीं कर रही, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को हम इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर पेमेंट मेड इन फ्यूचर हो और इसका जो पीरियड है वो एक्सीड कर रहा हो 1 year से, तो याद रखिएगा यहां पर हम उसको टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर नहीं करेंगे। और इसको कैसे इनकॉर्पोरेट करना है इंशाल्लाह कल हम यहां से डिस्कस करेंगे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अब सिर्फ 2 मिनट रह गए, 57 पे वो क्लास खत्म कर देते हैं आईटी वाले। तो आप अटेंडेंस हो गई हुई है? जी सर हो गई हुई है, हो गई हुई है। ठीक है फिर मैं कंटिन्यू कर लेता, तो जब तक वो क्लोज नहीं होती मैं कंटिन्यू। अब आइएगा डेफर्ड कंसीडरेशन और पेमेंट। यहां पर 2 सिचुएशन ले रहा हूं। नंबर 1, इफ पेमेंट या इफ फ्यूचर पीरियड डज नॉट एक्सीड 1 year, अगर 1 साल से ज्यादा एक्सीड नहीं करते, तो फिर तो सिंपल सी बात है आप उसको लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर लो और इसको कोई डिस्काउंटिंग नहीं करनी, यानी नो टाइम ऑफ वैल्यू ऑफ मनी फैक्टर शुड बी इन्वॉल्व। आप एंट्री क्या पास करोगे? इन्वेस्टमेंट इन एस्ट एपिट, ये डेबिट करेंगे, और क्रेडिट कर दूंगा मैं डेफर्ड लाइबिलिटी, इसको पेबल कहते हैं, डेफर्ड लाइबिलिटी। एक तरफ ये इन्वेस्टमेंट इन एस में ऐड हो जाएगा और दूसरी तरफ डेफर्ड लाइबिलिटी में ये ऐड हो जाएगा कंसोलिडेशन। नंबर 2, इफ फ्यूचर पीरियड एक्सीड्स 1 year, 1 साल से ज्यादा है फ्यूचर पीरियड, फिर क्या करें? फिर टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर नहीं करना। देन फिर रूल ये कहता है, देन इन्वेस्टमेंट शैल बी रिकॉग्नाइज्ड एट प्रेजेंट वैल्यू, present value of future payments, यानी जो आपने future में payment करनी है उसको उस value पर record नहीं करूंगा, बल्कि उसको present value में convert करूंगा, जो भी हमें question के अंदर discount rate given। और present value कैसे निकाली जाती है ये आप पहले भी पढ़ चुके हो। present value कैसे निकलेगी? future value into 1+r, यानी डिस्काउंट रेट रेज टू पार माइनस एन, कितने साल के बाद आपने उसको पेमेंट करनी है। सपोज मैं कहता हूं जी, पेमेंट शैल बी मेड, पेमेंट ऑफ 90 मिलियन शैल बी मेड इन 3 year टाइम, यानी एग्रीमेंट ये हुआ है कि हमने जो आपको बिजनेस लिया है उसमें 90 मिलियन की अमाउंट है वो 3 साल के बाद हम पे करेंगे, और आप एग्री कर जाते हैं। यानी इसका मतलब अब हमने पेमेंट जो रिसीव करनी है 90 मिलियन की, वो 3 साल बाद करनी है। तो यहाँ डिस्काउंट रेट उसने दिया होगा, जो भी डिस्काउंट रेट है, सपोज डिस्काउंट रेट 8% 7% है, हम 7% पे कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब मैं 90 मिलियन पे आज रिकॉग्नाइज नहीं करूंगा, मैं पहले प्रेजेंट वैल्यू कन्वर्ट करूंगा, और प्रेजेंट वैल्यू क्या आएगी? फ्यूचर वैल्यू
into 1.07 raised to power minus 3, जो भी वैल्यू आएगी, जितनी वैल्यू आएगी उस पे आप इसको रिकॉग्नाइज करोगे, एंट्री वही रहेगी इन्वेस्टमेंट इन एस्टेब्लिश्ड और डेफर्ड लायबिलिटी क्रेडिट, लेकिन उसके अंदर आप इसको प्रेजेंट वैल्यू पर रिकॉर्ड करो। ठीक है जी, मैं यहाँ स्टॉप कर रहा हूँ आपके, क्योंकि आखिरी कुछ सेकंड रह गए, मेरी नेक्स्ट क्लास है, तो बाकी कल इंशाल्लाह डिस्कस करें। जितना मैंने पढ़ाया इसको जरा एक दफा रिवाइज कर लीजिए। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।